चलिए टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट बॉडीज, अब हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। कंटिन्यूअस बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एलिमेंटल मास फाइंड करते हैं, डीएम। ये क्या है? एलिमेंटल मास। ये क्या एलिमेंटल मास? या नहीं तो मास ऑफ एलिमेंट। ये मास ऑफ एलिमेंट या एलिमेंटल मास क्या कहलाता है? स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट है ना, स्मॉलेस्ट मास आप ये सब कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट मास। ये एज्यूम किया जाता है, ये क्या किया जाता है? एज्यूम्ड, ये एज्यूम किया जाता है। सबसे छोटा मास हम एज्यूम करके चलेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये आर स्क्वायर है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को ही हम बोलेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग कंटिन्यूस बॉडी को इंटीग्रेट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का साइन लगाया हमने, एक एक पार्ट को इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, एक एक पार्ट को जोड़ना है ना, उसको हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है सिंपलेस्ट केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक रॉड है ना, थिन रॉड, ये क्या है? एक रॉड है और अबाउट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमने बीचों बीच एक थिन रॉड है, ये रॉड हमने बड़ा थोड़ा सा दिखाया है, एक्चुअली थिन रॉड हम मान के चलते हैं यहाँ पर। ये कैसा रॉड है भाई? थिन रॉड है, पतला रॉड है, ओके। ये क्या है? ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूं, टोटल रॉड का लेंथ अगर हमने एल एज्यूम करके रखा हुआ है, अगर हमने पूरे रॉड का लेंथ एल एज्यूम करके रखा हुआ है, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा एल बाई टू, और ये कितना हो जाएगा? एल बाई टू, है ना। इसका मास क्या है? व्हाट इज इट्स मास? इसका मास है एम। इसका टोटल मास हमने क्या मान लिया है? एम। तो हमें क्या पता करना है? थोड़ा सा मास अगर पता करना होगा तो हम इजी वे में फाइंड कर सकते हैं इसका मास। तो एक मास पर यूनिट लेंथ, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, इसको हम लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा भी कहते हैं। टोटल मास कितना है? एम है। टोटल लेंथ कितना है? एल। ये मास पर लेंथ इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एल लेंथ का इतना मास मान लेते हैं, एल लेंथ का इतना मास। तो यहाँ से मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर हमने लिखा है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस का कितना मास? तो इस एक्स डिस्टेंस का कितना होगा? एम बाई एल इंटू एक्स। एक्स लेंथ का मास कितना होगा? मास ऑफ लेंथ एक्स, लेंथ एक्स का मास कितना होगा? दैट इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू एक्स, है ना। ये एलिमेंटल मास क्या है? ये एलिमेंटल मास क्या है? अब एलिमेंटल मास निकालेंगे, है ना। अब एलिमेंटल मास, ये एलिमेंटल मास निकालेंगे, जिसको हम क्या निकालते हैं? डीएम। ये डीएम क्या है? तो डीएम हमने किस पार्ट को निकाला? बहुत छोटा छोटा पार्ट होगा, एक्स लेंथ का इतना है, तो छोटा सा पार्ट हमने एक डीएक्स ले लेते हैं, छोटा सा पार्ट डीएक्स पार्ट। इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा डीएक्स हम बढ़ाते हैं। तो डीएक्स पार्ट क्या हो, हम यहाँ भी डीएक्स लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी, कहीं भी लिख सकते थे। ये डीएक्स पार्ट का मास कितना होगा? तो ये लिखेंगे एम वाई एल इंटू डीएक्स। ये एलिमेंटल मास। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से निकाल सकते हैं। देखिए मास कैसे वेरी कर रहा है, लेंथ के हिसाब से वेरी कर रहा है। मास एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, वाई डायरेक्शन में जीरो, जेड डायरेक्शन में जीरो, है ना। इस रॉड का
वाई और जेड क्या है, वाई और जेड क्या है, जीरो। तो आर स्क्वायर इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर, इस तरह से आएगा आर स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना चाहेंगे तो क्या क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर डी एम इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर। डी एम का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ एल, है ना। तो मास पर यूनिट लेंथ एल है तो स्मॉल एल लेते हैं यहाँ पर, है ना, स्मॉल एल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एल लिखा गया, स्मॉल एल लेते हैं, है ना। मास पर यूनिट लेंथ इतना आ गया, है ना, आर स्क्वायर। और डीएम पार्ट, डीएम हमने क्या निकाला, एम बाई एल इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे पूरा हम आंसर निकाल देंगे। क्या आएगा, एम बाई एल बाहर आ जाएगा, एम बाई एल बाहर आ जा रहा है तो आंसर क्या है, एक्स थ्री बाई थ्री। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा है कि अगर ये जीरो है, ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है तो लेंथ का इधर पार्ट, लेंथ का इधर पार्ट, एक्स एक्स डायरेक्शन हम सोचेंगे तो क्या निकालेंगे, एल बाई टू से लेकर के एल बाई टू तक दोनों साइड हम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। माइनस एल बाई टू यहाँ से लेकर प्लस एल बाई टू तक, यहाँ तक हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो क्या आंसर आएगा, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना आंसर आ रहा है, बताइए एम बाई एल, ठीक है, थ्री यहाँ लिखा है तो एल बाई एट, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, एल क्यूब बाई एट माइनस ऑफ माइनस एल क्यूब बाई एट, है ना, लिखेंगे इस तरह से तो कितना आया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, ये आंसर कितना आएगा ये बताइए, ये आंसर अगर हम यहाँ लिखना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार में आंसर अगर निकालना चाहेंगे, थ्री है ये टू आ जाएगा, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर और टू को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि इस पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास यहीं पर है और हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया है, मतलब एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि इस रॉड का मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो इस केस में हम लोग मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं, अभी जो हमारा निकला हुआ है वो क्या है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12 अबाउट क्या, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के लोग आपने निकाला है तो इजी वे में आपका कितना इतना कितना आ गया, एम एल स्क्वायर का 12 आया, मिनिमम आया, दिस कॉल्ड मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो कहलाता है मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इस रॉड को इसके अलोंग घुमाना काफी आसान है, इस एक्सिस के अलोंग घुमाना काफी आसान, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, मतलब इस रॉड को घुमाना क्या है काफी आसान है, उसको घुमा सकते हैं, रोक भी सकते हैं, अगर रोटेशनल मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको रोका भी आसानी से जा सकता है। ओके चलिए, चलिए हमारा टॉपिक और पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द इंड, कोई मान लीजिए एक पतला सा थिन रॉड हमने बना के रखा हुआ है, ये क्या है थिन रॉड, है ना, थिन रॉड है जिसका टोटल मास m है और टोटल लेंथ जो है क्या है कैपिटल l,
मान लेते हैं मैंने सेंटर ऑफ मास कैलोम निकाल दिया था, है ना। सेंटर ऑफ मास कैलोम बताया था कि ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा, लेकिन मैं एक इंच के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। अगर हमने इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दिया तो इस इंच के अलोंग बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड वही है जो हम जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं, आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम, इंटीग्रेशन पार्ट लगाएंगे, कंटिन्यूस बॉडी है, ठीक है। तो यहां से यहां तक अगर हम एक्स लेंथ ले लेते हैं और कहीं भी अगर डी एक्स एलिमेंट ले लिया, कहीं भी इसके बाद भी पहले भी कहीं भी अगर हम डी एक्स लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं तो क्या होगा, तो डी एक्स पार्ट का कितना लेंथ होगा, कितना मास होगा, वो हम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अलोंग द इंच, एक इंच के अलोंग कितना होगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के बदला हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर के बदला हम लोग क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एम, डी एम के बदला हम लोग क्या लिखते हैं, वही होगा जो मैंने इससे पहले बताया था, एम आई एल डी एक्स, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। बस एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि अब जो एक इंच से दूसरा इंच है वो क्या है, जीरो टू एल, ये आपको सोचना होगा, बात वही कहानी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, तो लिखेंगे एम बाई एल, ठीक है, एक्स थ्री बाई थ्री, तो थ्री इधर लिख देंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एल, जीरो से एल तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या आंसर आ रहा है, ये हम जीरो से एल तक इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, दैट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय थ्री, ये ज्यादा था या एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व ज्यादा था, ये ज्यादा है, एक इंच के अलोंग घुमाना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप सिंपली समझो ना कि मासेस जो है एक्सेल रोटेशन से क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, ये मासेस जितने सारे मासेस है एक्सेल रोटेशन से क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, इस वजह से इस केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने क्या बताया, 12, मतलब इसका चार गुना ज्यादा होगा, चार गुना ज्यादा होगा। तो इस केस में लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वन इंच, एक इंच के अलोंग जितना होगा, एक इंच के अलोंग जितना होगा उसका 1/4 टाइम हो रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए, मतलब एक इंच के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक थिन रॉड की आएगी वो क्या आ रहा है, 4 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंटर ऑफ मास, अब देख लीजिए चार गुना आ रहा है, अगर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूं इतना आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो एक थिन रॉड दिया हुआ है ना, थिन रॉड दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है 2 kg और लेंथ दिया हुआ है इसका 2 meter, इसका लेंथ दिया हुआ है 2 meter, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एन एंड, थिन रॉड है, थिन रॉड है और कैसा है, यूनिफॉर्म रॉड है, थिन एंड यूनिफॉर्म रॉड। अब इस कहानी में बताइए कि क्या आंसर होगा, थिन एंड यूनिफॉर्म रॉड है क्या होगा, अगर ये थिन और यूनिफॉर्म है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है ना कि एम एल स्क्वायर बाय 12 आता है, ठीक है, एम इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2, एल कितना आ रहा है 2, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 12, चार डिवाइड करेंगे 3, 2/3 कितना आएगा 2/3 केजी मीटर स्क्वायर, 0.6। अबाउट एन इंच के बारे में देखेंगे, अबाउट एन इंच तो ये क्या आंसर आ रहा है, एम एल स्क्वायर बाई 3, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 2 kg, 2 meter, एम एल स्क्वायर कितना है 3, 12 है ना, सॉरी 4 × 8 है, 8/3 आ रहा है, 8/3 केजी मीटर स्क्वायर, ये यूनिट, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट जो लिखेंगे इसका तो क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज
कितना होगा केजी मीटर स्क्वायर, ये होगा ऐसा यूनिट। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना चाहेंगे तो ये हम बता चुके हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में, एम एल स्क्वायर, ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके आप देख लीजिए यही होगा। चलिए चलिए निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट ए लाइन पैरेलल टू एन एज। ये रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका लेंथ ब्रेथ लेंथ एल है ब्रेथ बी है, अबाउट ए लाइन पैरेलल टू एन एज, कोई भी एज है बी एज के अलावा हमने इसको पैरेलल टू बी एज, बी जो एज है उसके पैरेलल किया एंड पासिंग थ्रू इट सेंटर। ये सेंटर जो है ना ये सेंटर से हम पास करवा रहे हैं, कहाँ से पास करवा रहे हैं सेंटर से, ये सेंटर है सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, मतलब समझिए यहाँ पे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने ये फॉर्मूला बताया था आर इज इक्वल टू क्या निकाले थे आर स्क्वायर डी एम, यही फॉर्मूला होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो रहा है इसमें ब्रेथ हमारा क्या है कॉन्स्टेंट है, लेंथ चेंज हो रहा है, ब्रेथ जो है जिस एज के पैरेलल हम ले जा रहे हैं जिस एज के पैरेलल हम ले जा रहे हैं वो कांस्टेंट, उसका लेंथ क्या है कांस्टेंट है, और जिसके हम पैरेलल नहीं लेके जा रहे हैं जिसके परपेंडिकुलर हम जा रहे हैं वो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे लेंथ एक्स लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं होगा, एक्स लेंथ का मास कितना होगा तो पहले हम मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। तो मास पर यूनिट लेंथ हम जो यहाँ पे निकालेंगे वो क्या होगा मास, ठीक है पर यूनिट एरिया, यहाँ क्या होगा पर यूनिट एरिया, एरिया के हिसाब से यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल मास m है, एरिया कितना है l into b, ठीक है इतना है। तो एक x हमने लेंथ ले लिया, फिर अगर एलिमेंटल dx, dx लेंथ हम ले लेते हैं या dx कहीं भी आप ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है dx अगर हम लेंथ ले लेते हैं तो dx लेंथ का मास एरिया कितनी होगी, तो इसका एरिया कितना होगा, तो भाई मेरे जब x हमने इतना ले रखा है तो b तो हमारा यही है ना, यहाँ से यहाँ तक b है और ये क्या है ये क्या है dx, तो इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया को हम बोलेंगे एलिमेंटल एरिया, क्या बोलेंगे एलिमेंटल मास, इसका मास को हम क्या बोलेंगे एलिमेंटल मास, मास बाय l बाय b इंटू dx, देख लीजिए ठीक है, जिससे b से b कैंसिल हो जा रहा है क्या आंसर आएगा m बाय l इंटू dx आ रहा है। आप ये देखिए dm आ रहा है, तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, तो आराम से हम निकाल सकते हैं आर स्क्वायर डी एम, ये जो आर स्क्वायर डी एम निकालेंगे ये क्या होगा आर स्क्वायर, ये एक्स चेंज हो रहा है एक्स चेंज हो रहा है, आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, डी एम डी एम इज इक्वल टू एलिमेंटल मास, हमने डी एम अगर यहाँ पे निकाला है तो ये डी एम की वैल्यू कितनी होगी दैट इज इक्वल टू एम बाई एल डी एक्स, ये इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ पे साइन, तो ये साइन क्या होगा एम बाई एल x cube by 3, और यहां से यहां तक लेंथ अगर माइनस एल बाई टू, लेंथ अगर हमने कहां से x माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक लेके जा रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है बताइए क्या आंसर आएगा एल बाई टू ये कितना आएगा आएगा m l स्क्वायर बाय 12, इतना आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना ठीक है, इसमें b का कोई रोल नहीं है, अगर वही एज में पैरेलल टू l l एज के पैरेलल कर देता तो एम बी स्क्वायर बाई 12 हो जाता ठीक है, ये पैरेलल टू किसके आ रहा b के आ रहा है और पैरेलल टू l एंड पैरेलल टू m एम बी स्क्वायर बाई इतना आ जाता ठीक है। चलिए इसी में क्वेश्चन में दे रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, लेंथ इज इक्वल टू है ना लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर रखा, ब्रेथ इज इक्वल टू 10 मीटर रखा, तो अब आपको बताना है पैरेलल टू बी और इसका मास समझ लिया 10 केजी,
तो अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल टू बी एक्सिस क्या होगा? तो यहाँ पे हम आराम से निकाल सकते हैं मास है एम के जी, लेंथ कितना है 5 मीटर, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो इस तरह से इतना आंसर आएगा, हम इजी वे में समझ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यानी तो मान लो ये 12 केजी का होता, इजी वे में अगर समझें 12 केजी ये होता, 12 केजी का हमने इतना लिखा 5 मीटर इतना 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 25 केजी मीटर स्क्वायर। बी पे डिपेंड नहीं हो रहा, सिर्फ लेंथ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, ठीक है। जिसके पैरेलल हम ले रहे हैं उसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। इस केस में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ये रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस लेंथ के पैरेलल निकालना होगा, सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में आएगा एम बी स्क्वायर बाई 12। अगर इसका लेंथ बी आ गया पैरेलल टू दिस एक्सिस, इसको रोटेट करवाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम बी स्क्वायर बाई 12। ओके चलिए, तो हमने सेंटर ऑफ मास के अलोंग निकाला, एक एंड के अलोंग क्या होगा? सेंटर ऑफ मास के अलोंग तो हम निकाल चुके हैं, एक एंड के अलोंग अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो वो कितना होगा? एम एक एंड के अलोंग निकालना चाहेंगे तो मान लो ये एंड अगर हमने निकाल दिया, इस एक्सिस के अलोंग अगर निकालेंगे तो क्या होगा? एम एल स्क्वायर बाय 3। ठीक है, आप देख लेंगे कैलकुलेशन करके ये आएगा। ओके, एम एल स्क्वायर बाय 3। नहीं विश्वास हो रहा था कैलकुलेट भी कर सकते हो, है मास एरिया कितना है इतना है, और 0 to 0 to L एंटीग्रेट करना है, सही है गलत नहीं है, है ना। तो चलिए ये एम एल स्क्वायर बाई 3 आ रहा है, ये एक सेंटर ऑफ मास के अलोंग के कितने बराबर हो रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंटर ऑफ मास के 4 गुना आ रहा है, 4 गुना आ रहा है। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है वो सेंटर ऑफ मास के अलोंग सबसे कम होती है। कहाँ पे होती है सबसे कम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अलोंग इज सेंटर द मोस्ट लीस्ट, यानी सबसे कम कहाँ पे होगा? अगर वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो तो। ऐसा इसलिए होता है कि पूरा का पूरा मास यहीं पे कंसंट्रेटेड है, एज्यूम करके चलते हैं पूरा का पूरा मास यहीं पे कंसंट्रेटेड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? जी लिस्ट लिस्ट सबसे कम। चलिए आगे चलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इस सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स एक्सिस काफी इजी है। एक रिंग है जिसका मास m है, इसका रेडियस r है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पासिंग थ्रू इट्स सेंटर क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? r स्क्वायर dm, यहां पे हम इस तरह से निकालेंगे। और देख रहे हैं एक-एक मास, हर एक मास जो है रिंग का वो सेंटर से dm सॉरी r डिस्टेंस पे ही सिचुएटेड है। तो क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे डीएम को, टोटल मास को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या होगा? एम आर स्क्वायर। एक रिंग का सेंटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैंने इसका मास, अगर इसका मास 10 केजी रख दिया, रेडियस को अगर हमने रूट अंडर 10 मीटर रख दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो मास कितना है 10 और ये कितना है 10 और रूट अंडर 10 इंटू 10 मतलब 100 केजी मीटर स्क्वायर, है ना, केजी मीटर स्क्वायर। इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इससे बहुत सारे एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं। अगर इसका मास हमने दे दिया 5 केजी, है ना, इसका हमने मास दे दिया 5 केजी और लेंथ अगर हमने दे दिया रूट अंडर 3 मीटर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट इंड कितना होगा? एट इंड पासिंग थ्रू दिस बी, बी के पैरेलल में जा रहा है तो एक इंड से कितना होगा मास? कितना है 5 केजी, एल कितना रूट अंडर 3 बाय 3 मतलब कितना हो गया 5 केजी मीटर स्क्वायर। इस तरह से सेंटर ऑफ मास के लोग क्या होगा? तो सेंटर ऑफ मास के लोग
हम उस केस को भी निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो हमने यहाँ निकाला है इसी का चार डिवाइड कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास थ्योरम निकल जाएगा। इजी वे में कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सी एम इज इक्वल टू 5/4 के जी मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ओके देख लीजिए, नाउ वी विल कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट अबाउट इट्स एक्सिस। सेंटर से पास करता हुआ एक एक्सिस जा रहा है, ये सेंटर है, ये सर्कुलर प्लेट है, ये एक्सिस है। देख लीजिए ये सर्कुलर प्लेट है, ये क्या है, एक सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट। इस सर्कुलर प्लेट में मास एरिया के हिसाब से चेंज हो जा रहा है। एलिमेंटल मास जो हम निकालेंगे तो सबसे पहले एक रिंग टाइप का हम समझेंगे, क्या समझेंगे, एक रिंग समझिए। तो सबसे पहले एक रिंग जिसका रेडियस x है तो उसका लेंथ 2πx, ये क्या है लेंथ, एलिमेंटल इसका एरिया अगर निकालेंगे, एलिमेंटल मास का एरिया निकालेंगे तो लेंथ 2πx, 2πx क्या है लेंथ और ब्रेथ क्या है dx, ये क्या है ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया हो गया। तो इसका एरिया हम निकाल देंगे फिर पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो मास बाई एरिया, टोटल एरिया कितना है, मान लो कि इस प्लेट का टोटल मास है m, रेडियस दिया हुआ है, तो एरिया भी हम आराम से जान सकते हैं पाई आर स्क्वायर। एलिमेंटल एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना एलिमेंटल एरिया आ रहा है, 2πxdx। बस ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब हम एक्सिस से किसी भी एलिमेंटल मास को अगर समझेंगे, यहाँ से मास कितना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना काफी आसान हो जाएगा। वो जो डिस्टेंस है किसी मास का, दैट इज इक्वल टू एक्स है, एक्स स्क्वायर डीएम, डीएम डीएम को बारे में क्या निकालेंगे हम, इन टू एम बाई पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसमें से पाई को पाई कैंसिल कर देंगे तो कितना आ रहा है, टू एम बाय आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है ना, टू एम बाय आर स्क्वायर एक्स, और यहां पर भी एक्स, तो एक्स इंटू एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे जीरो से आर तक। चलिए इंटीग्रेट कीजिए, हर इंटीग्रेशन जिनको आता है वो इंटीग्रेट करेंगे, देखेंगे इंटीग्रेट करके क्या आंसर आ रहा है, टू एम बाई आर स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगा एक्स थ्री, ये हो जाएगा एक्स फोर बाई फोर रूट अंडर जीरो से लेकर आर तक। हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, फोर आ जाएगा बाहर में, तो यहाँ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो टू लिख दीजिए, ये क्या आएगा एम बाई टू आर स्क्वायर, जीरो से आर तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा फोर स्क्वायर माइनस जीरो, तो आंसर कितना आ रहा है एम आर स्क्वायर बाय टू, ये आंसर आ रहा है हमारा एम आर स्क्वायर बाय टू आंसर आ रहा है। तो आप देखिए कि जैसे ही हमने एक रिंग बनाया था, रिंग में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस कितना था एम आर स्क्वायर, और उतने ही मास को अगर हमने एक डिस्क में कन्वर्ट कर दिया है अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रही है, देख लीजिए आप आराम से देख लीजिए, क्योंकि मास रिंग के केस में क्या था, मास एक्सिस से दूर था इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था बहुत ज्यादा था। इस केस में क्या है, रिंग सर्कुलर प्लेट में क्या है, बहुत सारे मासेस जो है वो एक्सिस से बहुत नजदीक है, नजदीक होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रही है, यही कहानी है, बात को समझिए। ओके चलिए, तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मास अगर आप 5 kg रखें, रेडियस अगर हम 10 मीटर रखें, है ना, तो आप बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट अबाउट इट्स सेंटर क्या होगा, मास कितना है 5 kg, रेडियस कितना है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 100 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 50, 50 इंटू 5 कितना होगा 250 kg m², ये सब चलते रहता है। देखो कितना आंसर आया, 100 को 2 से डिवाइड किया 50 इंटू 5 250 है ना केजी मीटर स्क्वायर। इस तरह से लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके
चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस और सेंटर। सेंटर के अलावा हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया किसका निकालेंगे? हॉलो सिलेंडर का। इट इज अ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर है जिसका मास हमने एम रखा है और रेडियस आर रखा है, क्या होगा? तो वो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्सिया आर स्क्वायर डी एम निकालते हैं। तो इस कहानी से आगे हम लोग चलेंगे, एक एक मास, एक एक मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पर है, एक एक मास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर, डीएम को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा एम आर स्क्वायर। कितना आएगा? एम आर स्क्वायर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्जिया। अगर एक सर्कुलर रिंग है, इसका एम मास है, रेडियस आर है, तो मोमेंट ऑफ दोनों का मास और रेडियस सेम हो तो मोमेंट ऑफ इनर्जिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्जिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज सेम। हॉलो सिलेंडर क्या है? सेम। ओके, दोनों का क्या होगा? सेम होगा मोमेंट ऑफ इनर्जिया। आप इस कहानी को अच्छे से समझ लीजिए। अबाउट इट्स सेंटर, दोनों का दोनों क्या है? अबाउट इट्स सेंटर। क्या कहानी होगा? अबाउट इट्स सेंटर, चाहे वो सर्कुलर रिंग हो चाहे हॉलो सिलेंडर हो, दोनों का सेंटर के लॉन्ग या सेंटर के एक्सिस के लॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्जिया होगा सेम होगा दोनों का दोनों, चाहे रिंग हो चाहे नहीं तो हॉलो सिलेंडर हो। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके,